गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स इज इंटरेस्ट। हियर वी विल टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इन business finance or business mathematics. So simply we can say when a person A borrows money from B, then what will happen? That person A will have to return that money from B, or we can say that B has lended that certain amount to A, then A will have to pay it back to B after some time. The same amount plus some additional amount. That additional amount is basically the cost which A has to pay to B for using that particular money. Suppose the money is C and the additional amount is I, then that additional amount I is called the interest on the borrowed sum. So the amount which is borrowed by A from B, that is called the principal, and that is denoted by capital P. And the amount which is paid over and above to the principal, to the lender by the borrower, is called interest. The sum of the interest and principal is usually called the amount, the total amount, and that is the total amount which has to be paid back by A to B for borrowing that particular sum, that is P plus I, that is the total amount. इसको हम कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर तो ए को मैंने एज अ पार्टी लिया हुआ है, तो ए को हम शो नहीं कर रहे, अदरवाइज बहुत सी बुक में आपको ए भी दिखेगा और टी भी दिखेगा इसकी जगह, ठीक है। सो नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट होता है वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर एनम की तरीके से डिनोट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सपोज 5% पर एनम, दैट इज द इंटरेस्ट रेट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स दैट द बोरोअर विल हैव टू पे 5 rupees फॉर यूजिंग 100 rupees ऑफ द लेंडर फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। तो जब लास्ट में जो बोरोअर ए वापस करेगा वो होगा टोटल अमाउंट 105 rupees का। ओके, if it is 10% then he will have to pay 110 rupees for using that 100 rupees of the lender for 1 year, and so on. When interest is calculated on the amount in the previous year, agar aap simply calculate karte rehte har saal ka jo 5-5 rupees add karte rehenge, pehle saal ke liye jo aapne 100 rupees use kiye, 5 rupees एडिशनली पे करें, दूसरे साल के 100 rupees के लिए फिर 5 rupees पे करें। ऐसे अगर आपने 5 years के लिए लोन लिया है, सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन हो रही है 100 rupees की, तो 100 × 5 दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट एंड द नंबर ऑफ ईयर डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से आप टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट निकालते हैं, फॉर्मूला हो जाता है आपका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वेयर पी इज़ द प्रिंसिपल, R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको स्मॉल I से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने I लिखा है, तो बहुत सी बुक में I मिलेगा, बहुत सी बुक में आपको यहाँ पे R मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे I या R जो भी आप यूज़ करें, इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे P देखिए हो गया आपका 100, I हो गया आपका 5 और T हो गया यहाँ पे आपका 5। तो इंटरेस्ट आपने निकाला इस तरह से, जब इस वाली कैलकुलेशन से सॉल्व करके, तो आपका कितना आ गया 25 rupees, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। वैन यू आर फाइंडिंग जस्ट द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स दैट आप जो पर्टिकुलर ईयर जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, केवल उसी ईयर के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बैंक्स में और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। तो हाउ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल।
Suppose if you have taken rupees 100 for 1 year at an interest rate of suppose 10%, then at the end of year it will become 110 rupees to pay to the lender. Now this 110 will become the principal sum. Ye principal amount, original amount ban jayega for considering the second year's loan or borrowing. तो ये 110 आपका प्रिंसिपल हो गया. इसका जब आप एट द रेट 10% इंटरेस्ट निकालेंगे दैट विल बी 11 रुपीज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब आप 110 में 11 ऐड करेंगे दैट विल बी 121 विच विल बी द टोटल अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. ये आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट था. ठीक है, तो जब आप इस तरह से प्रीवियस ईयर के टोटल अमाउंट को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल अमाउंट को कंसीडर करते हैं इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, दैन दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट. इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं. व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट इन द प्रीवियस ईयर, ओके, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो यहाँ पे हम दो तरीके के इंटरेस्ट पढ़ेंगे. एक होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन, तो दूसरे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. और जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, बिजनेस फाइनेंस है, वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ही काम आता है. वेदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू और द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी सम. तो जब भी आप फिनेंशियल मैनेजमेंट जैसे अभी आप पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में आके, तो वहाँ पे कंपाउंडिंग टेक्निक काम करती है टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी सम. और उसी का बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होता है डिस्काउंटेड वैल्यू. ये डिस्काउंटेड वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू टेक्निक्स जो है, जो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग टेक्निक ओनली. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो नाउ लेट अस टेक सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल रिगार्डिंग दैट. पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका. ठीक है, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला आपका हो जाता है ये. मीन्स यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द फ्यूचर सम व्हेन यू आर गोइंग टू कंपाउंड द प्रिंसिपल. तो यहाँ पे इस तरह से आप फ्यूचर सम निकालेंगे वेयर पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आई इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम और एनुअल इंटरेस्ट रेट, एंड एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच यू आर डूइंग द कंपाउंडिंग. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग मेथड से व्हेन यू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सम, कौन सा सम है ये, पी की फ्यूचर वैल्यू, अब इस तरह से आप निकालते हैं. और ऐसे ही अगर इसी फॉर्मूले से आपको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू दिए कि 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको इतना पैसा बन जाएगा इतने इंटरेस्ट रेट पे इतने ईयर्स के लिए, तो वो अमाउंट कितना होगा पी, तो उसके लिए बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है. एफ अपॉन 1+, यहाँ पे ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1+i^n. इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Prove that in order that a sum of money may double itself in 10 years by investing at compound interest at compound
interest, payable annually. The interest should be approximately 7.2% पर एनम. तो ये हमें प्रूव करना है कि 7.2% इंटरेस्ट रेट से कोई अमाउंट जो है 10 ईयर्स में खुद को लगभग डबल कर रहा है. ओके, तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. लेट द अमाउंट पी विल बी इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स एट द रेट 7.2% पर एनम. नाउ हियर पी इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड 10 इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स एन एंड आई दिस इज द आई इंटरेस्ट रेट. सो तो आपका जो ये आर इसमें निकलेगा, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आप निकालेंगे, 1+ क्योंकि कंपाउंडिंग टेक्निक लगनी है, 1+ आर बाई 10, आर या आई जो भी है, आई यहाँ पे हमने आई लिखा है तो इसको आई ही लिखते हैं. ठीक है, आई आई बाई 100. नाउ वी वांट दिस अमाउंट शुड बी 2p. हमें इसको क्या करना है, 2p लाना है. ठीक है, इस अमाउंट को हमको 2p लाना है. तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला बताया था, f इज इक्वल टू p इंटू 1+i^n, f यहाँ पर क्या है आपका, डबल हो जाएगा, 2p हो गया, यहाँ पर p है, 1+7.2% यानी कि 7.2/100 और पार हो गया आपके 10, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 2 आ गया यहाँ पे, तो 2 इज इक्वल टू हो गया 1+0.072/10. तो आपको बेसिकली निकालना है यहाँ पर ये है कि 7.2% पर आ जाएगा. तो यहाँ पे आप ऐसा करिए कि आप यहाँ पर 7.2 मत लीजिए, आप यहाँ पे सिर्फ आई कंसीडर करिए इसको. ठीक है, आप क्या कंसीडर करिए इसको, आई बाई 100 इसे लिखा है क्योंकि परसेंटेज में है ना, इसलिए. ठीक है, तो ये आपका हो गया इस तरह से. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हो गया आपका ये आई बाय हंड्रेड और यहाँ पे 2 आ गया. आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इसको सॉल्व करके. वी कैन यूज़ लॉग, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ लॉग बोथ द साइड्स. लॉग तो अभी तक आप कर ही चुके हैं, तो आपने जब लॉग लिया तो लॉग 2 आपको लॉग टेबल भी मिलेगी एग्ज़ाम में. जो जो टेबल्स आप यूज़ करेंगे वो टेबल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी आइदर, या फिर आपको क्वेश्चन में ही लॉग की वैल्यू गिवन होगी सो दैट यू वॉन्ट नीड दैट लॉग. तो ये हो गया आपका लॉग 1+i/100 to the power 10. पार आपको पता है आगे आ जाती है, लॉग 1+i/100. तो ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010. तो ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया, इसको कर लेते हैं यहाँ पे से, मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, स्पेस नहीं हो पा रहा तो सॉल्व करने के लिए इसी में ऊपर कराती हूँ इसको. ठीक है, इस वाले पार्ट में. तो देखिए ये हो गया आपका लॉग 1+i/100 = 0.03010. जब आपने इसको फर्दर सॉल्व करा, 10 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया तो 10 आगे से बढ़ गया. फिर आपने क्या किया यहाँ पर, इस तरह से जब आपने एंटी लॉग लिया और उसको पूरा सॉल्व किया तो आपको मिला आई की वैल्यू हो गई आपकी 1+i/100 की वैल्यू. जब आपने एंटी लॉग लिया इसका, यहाँ पे आपको एंटी लॉग लेना होगा ना, तब होगा एंटी लॉग टेबल से आप देखेंगे तो ये हो गई आपकी 1.072. ठीक है, दैट इज़ i/100, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस थिंग. अब जब इसकी आप निकालेंगे तो 1 आपका जब यहाँ आ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.072 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, यानी कि 7.2%.
दैट वी नीडेड टू प्रूव कि 7.2% रेट से इन्वेस्ट करने पर 10 ईयर्स पे कोई पर्टिकुलर अमाउंट खुद को डबल कर लेगा. तो दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी